हीमोस्टेसिस का डेंटिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है। किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद, एक्सट्रैक्शंस के बाद पहला एम होता है ब्लड को रोकना, हीमोस्टेसिस। तो इसकी बहुत सारी मेथड्स है, उनमें से एक आज सर्जिकल स्पॉन्ज की हम बात करेंगे। खोलकर देखेंगे इस बॉक्स को, कैसे अरेंज होकर आता है, किस किस फॉर्म में ये मिलता है और किस प्रोसीजर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसको यूज़ करना है। मॉडल में हम इसको अप्लाई करके देखेंगे और साथ ही जानेंगे इसके प्राइस के बारे में भी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। जो जिलेटिन स्पॉन्ज है वो अलग अलग फॉर्म में आता है, शीट्स के फॉर्म में आता है, रोल के फॉर्म में आता है, क्यूब्स के फॉर्म में आता है। ये मेरे पास क्यूब फॉर्म में है। अगर एक्सट्रैक्शन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो ये क्यूब्स वाला बहुत अच्छा है, स्टरलाइज होता है, गामा रेडिएशन से ये स्टरलाइज है, रीस्टरलाइजेशन की इसको ज़रूरत नहीं होती। इसमें आप एक खोलिए और अप्लाई कर दीजिए, अभी देखेंगे कैसे। तो इसको ओपन करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अब आप हमारे चैनल इजी डेंटिस्ट्री को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अलग अलग कंपनीज का ये आता है। ये सर्जी स्पॉन्ज मेरे पास है, यहाँ लिखा हुआ है एब्जॉर्बेबल जिलेटिन स्पॉन्ज, स्टेराइल हीमोस्टेटिक फॉर डेंटल यूज़, डेंटल यूज़ के लिए है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर और भी डिटेल्स दी हुई है और यहाँ पर इसका साइज़ लिखा हुआ है 10x10x10 mm अप्रॉक्स, 10x10x10 का एक क्यूब है इसमें और एक बॉक्स में 32 क्यूब्स इसमें हैं। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं, ऐसा होता है अंदर से। इसके साथ एक ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है डिटेल्स। और इसमें से एक मैं निकाल लेता हूँ, ये देखिए इस फॉर्म में ही आते हैं ऐसे ही, और सारे इसमें दिए हुए हैं, 32 है इसमें, साइड में इसको रखते हैं। तो ये देखिए ऐसा ही इस फॉर्म में ही आते हैं, एक में ये चार हैं और 10x10x10 का क्यूब है जैसा मैंने आपको बताया। इसमें से मैं एक अलग कर लेता हूँ समझने के लिए। तो ये देखिए ये एक सिंगल क्यूब हमारा ऐसा है, ये इसमें पैक है और ये स्टरलाइज्ड है जैसा मैंने आपको बताया, गामा रेडिएशन से स्टरलाइज्ड है, लिखा हुआ है इसमें, रीस्टरलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। जो शीट्स वाले आते हैं, जो रोल वाले आते हैं, तो उनमें शीट वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। उनको कट करके आपको प्लेस करना होता है सर्जिकल साइट में, एक्सट्रैक्शन साइट में, और ये पहले से क्यूब फॉर्म में है तो एक्सट्रैक्शन के लिए क्यूब अच्छे हैं। पूरा क्यूब आप लीजिए और सॉकेट में प्लेस कर दीजिए। अब इसको खोलकर देखेंगे, अभी इसमें हम कैसे आपको प्लेस करना है बताएंगे। तो इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम जिलेटिन स्पंज को, तो सबसे पहले तो एक्सट्रैक्शन में, जो एक्सट्रैक्शन साइट है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं सॉकेट में। उसके बाद सिस्ट एन्यूक्लेशन अगर किया हुआ है, कुछ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर अगर की हुई है तो उसमें हम इसको प्लेस कर सकते हैं। उसके लिए आप ये क्यूब वाला भी यूज़ कर सकते हैं या शीट फॉर्म का भी जो आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप सुचर कर दीजिए सॉकेट्स के लिए, नॉर्मल एक्सट्रैक्शन के लिए इसको प्लेस करने के बाद सुचर नहीं भी देंगे तो हील हो जाता है। और ये एब्जॉर्बेबल है तो 3 to 5 weeks में, लगभग एक महीने के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद जो डिसइंफेक्शन के केसेस हैं उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बोन ग्राफ्ट अगर हमने दिया है तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और भी सर्जिकल प्रोसीजर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है, आप जब प्रोसीजर करते हैं तो ग्लव पहने हुए होते हैं, मैंने यहाँ ग्लव नहीं पहने हुए क्योंकि स्टरलाइज है। तो स्टराइल कंडीशन में इसको आपको ओपन करना है, एक हम इसको ओपन करके देखेंगे और इसको जो एक्सट्रैक्शन सॉकेट है इसमें आपको लाइट प्रेशर के साथ प्लेस कर देना है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ड्राई यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको पहले सलाइन में डिप करें, उसके बाद ग्लव फिंगर के बीच में आप इसको स्क्वीज कर लें जिससे जो एयर बबल है वो सारे निकल जाएँ, उसके बाद भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ आपको ड्रग पेशेंट को देना है सॉकेट में, अगर कुछ ड्रग देना है तो आप सलाइन में इसको प्लेस करिए, इसको फिर ग्लव फिंगर के बीच में स्क्वीज़ करिए, ड्राई कर लीजिए, इसके बाद इसमें मेडिसिन लीजिए। ड्राई सॉकेट वगैरह में अगर कुछ मेडिसिन देना चाहते हैं
उसमें डिप करिए, फिर सॉकेट में प्लेस कर सकते हैं इसको। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और इसमें प्लेस करके देखेंगे। तो आपको मैंने बताया कैसे ओपन करना है, स्टेरिल कंडीशन में आपको ओपन करना है, और फिर चाहे तो आप इसको सलाइन में डिप कर लें, फिर स्क्वीज़ करें, उसके बाद प्लेस कर सकते हैं, या फिर ड्राई भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे ओपन करते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं, इसको हम पूरा ले लेंगे। अब तो ये वेस्ट हो जाएगा, तो ये इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ऐसा 10x10 का ये क्यूब है, अप्रॉक्स 10x10x10 का है, पास से आप देख लीजिए। तो इसको सलाइन में डिप करिए, स्क्वीज कर लीजिए, या फिर ड्राई भी आप प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए इसमें प्लेस करके देखते हैं। ऐसे आप स्क्वीज करिए, इसको प्लेस कर दीजिए। लाइट प्रेशर के साथ आपको इसमें प्लेस करना है। और प्लेस करने के बाद इसको आप थोड़ी देर होल्ड करके रखिए, जब तक क्लॉट ना हो जाए, ब्लड क्लॉट हो जाए, उसके बाद आप इसको छोड़ सकते हैं। और ये जो स्पंज है, जो ये क्यूब है, ये अपने वेट से 40-50 टाइम ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। जितना इसका वेट है, 40-50 गुना ज़्यादा ब्लड ये एब्जॉर्ब कर सकता है। तो प्राइस की बात करें तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्राइस हैं। ये मैंने ऑनलाइन बुलवाए थे, 800 के दो बॉक्स से मैंने बुलवाए थे, इसमें MRP लिखी हुई है 450। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि आपको टॉपिक कैसा लगा और किन टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।